हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, आप सभी को पता हो कि चाइनीज मार्केट में आईकू कंपनी ने आईकू नियो 9 प्रो और ओप्पो कंपनी ने ओप्पो रेनो 11 प्रो स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, ये दोनों ही स्मार्टफोन अब इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन दोनों ही स्मार्टफोन को कंपेयर करके बताएंगे कि आपके लिए इनमें कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया होने वाला है, किस स्मार्टफोन में आपको ज्यादा बढ़िया फीचर्स मिलेंगे और आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप भी एक बढ़िया और अच्छा प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों बने रहिए आप इस वीडियो में एंड तक। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन के लुक और इनके डिजाइन के साथ। तो दोस्तों, अगर बात की जाए ओप्पो रेनो 11 प्रो स्मार्टफोन के बारे में, तो दोस्तों स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेंसर देखने को मिलते हैं और यह स्मार्टफोन सेंटर पंचुल कट आउट वाली कर्व डिस्प्ले के साथ आता है। इस स्मार्टफोन का बैक डिजाइन भी आपको कर्व देखने को मिलता है, जबकि दोस्तों आईकू न्यू 9 प्रो स्मार्टफोन के अंदर आपको सेंटर कंसोल कटआउट वाली फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलती है और यह स्मार्टफोन ड्यूल रियर कैमरा सेंसर के साथ आता है, जो कि सिंपल कैमरा के बम्प के साथ आता है। हालांकि दोस्तों, स्मार्टफोन के अंदर आपको हाफ लेदर बैक पैनल फिनिश देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों डिजाइन के मामले में मुझे आईकू नियो 9 प्रो स्मार्टफोन ज्यादा बढ़िया लगा। बाकी दोस्तों, अगर इन दोनों ही स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में बात करें तो दोस्तों ओप्पो रेनो 11 प्रो स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने इसके बैक साइड में 50 मेगापिक्सल, 32 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा प्रोवाइड कराया है, जबकि दोस्तों आईकू नियो 9 प्रो स्मार्टफोन के अंदर आपको 50+50 मेगापिक्सल का ड्यूअल प्राइमरी कैमरा सेंसर और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया है। तो दोस्तों, इन दोनों ही स्मार्टफोन के कैमरा के डिफरेंस के बारे में बात करें तो दोस्तों रियर कैमरा के मामले में आईकू नियो 9 प्रो स्मार्टफोन ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको दोनों ही प्राइमरी कैमरा सेंसर 50 मेगापिक्सल के देखने को मिलते हैं, जो कि सोनी के कैमरा सेंसर के साथ आते हैं। हालांकि दोस्तों फ्रंट कैमरा के मामले में ओप्पो रेनो 11 प्रो स्मार्टफोन ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसके अंदर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिससे आप 4K वीडियो को भी शूट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो कैमरा के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन बढ़िया रहेंगे, लेकिन दोस्तों इनके फ्रंट और रियर दोनों ही कैमरा के अंदर आपको डिफरेंस मिल जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। तो दोस्तों, इन दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको अलग अलग चिपसेट देखने को मिलता है। ओप्पो रेनो 11 प्रो स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 8+Gen1 का चिपसेट देखने को मिलता है और यह स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करता है, जबकि दोस्तों आईकू नियो 9 प्रो स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने मीडियाटेक डायमेंसिटी 9300 का चिपसेट दिया है और यह स्मार्टफोन भी एंड्रॉइड 14 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करता है। तो दोस्तों, इन दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको अलग अलग चिपसेट देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों परफॉर्मेंस के मामले में मीडियाटेक डायमेंसिटी 9300 ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसके अंदर आपको काफी ज्यादा बढ़िया और अच्छा पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों, ये दोनों ही प्रोसेसर 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, लेकिन दोस्तों स्नैपड्रैगन 8+Gen1 चिपसेट काफी पुराना हो चुका है, लेकिन दोस्तों यह चिपसेट भी आपको बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस देने वाला है। हालांकि दोस्तों परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन लगभग सिमिलर से होने वाले हैं, इनके अंदर आपको इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। अगर दोस्तों इन दोनों ही स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में बात करें तो दोस्तों ओप्पो 11 प्रो स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ने 6.74 इंच की फुल HD OLED कर्व डिस्प्ले प्रोवाइड कराई है, जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के सपोर्ट के साथ आती है। उसके अंदर आपको 1200 nits पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट देखने को मिलता है, जबकि दोस्तों आईकू नियो 9 प्रो स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो दोस्तों स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ने 6.78 इंच की LTPO AMOLED डिस्प्ले प्रोवाइड कराई है, जो की 144Hz रिफ्रेश रेट के सपोर्ट के साथ आती है और इसके अंदर आपको 1400 nits पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों डिस्प्ले के मामले में आईकू नियो 9 प्रो स्मार्टफोन ज्यादा बढ़िया रहेगा। इस स्मार्टफोन में आपको फुल साइज की बड़ी डिस्प्ले भी मिलती है और इसके साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 144Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जबकि पीक ब्राइटनेस के मामले में स्मार्टफोन काफी बढ़िया है, जिससे दोस्तों स्मार्टफोन में आपको काफी बढ़िया और अच्छे कलर पिक्सल्स वगैरह नजर आने वाले हैं। अगर दोस्तों इन दोनों ही स्मार्टफोन की वेरियंट के बारे में बात करें तो दोस्तों ओप्पो रेनो 11 प्रो स्मार्टफोन को कंपनी ने मार्केट में 12GB रैम के साथ लॉन्च किया है, जिसके साथ आपको 256GB और 512GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरियंट देखने को मिल जाते हैं, जबकि दोस्तों आईकू नियो 9 प्रो स्मार्टफोन आपको मार्केट में 12GB और 16GB रैम के साथ देखने को मिलता है, जिसके साथ आपको 256GB, 512GB और 1TB इंटरनल स्टोरेज के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों आईकू नियो 9 प्रो स्मार्टफोन में आपको कई अलग अलग वेरिएंट मिल जाते हैं। अगर दोस्तों इन दोनों ही स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में बात करें तो दोस्तों ओप्पो रेनो 11 प्रो स्मार्टफोन में आपको कंपनी ने 80W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 4700mAh की पावरफुल बैटरी प्रोवाइड कराई है, जबकि दोस्तों आईकू नियो 9 प्रो स्मार्टफोन में आपको कंपनी ने 120W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5160mAh की पावरफुल बैटरी प्रोवाइड कराई है। तो दोस्तों बैटरी और फास्ट चार्जर के मामले में भी
आईकू नियो 9 प्रो स्मार्टफोन ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसके अंदर आपको पावरफुल बैटरी के साथ साथ जबरदस्त फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है, जिससे दोस्तों स्मार्टफोन आपको काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला है। तो दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों फीचर्स और डिजाइन के मामले में आईकू नियो 9 प्रो स्मार्टफोन ज्यादा बढ़िया है। इसके अंदर आपको काफी बढ़िया फीचर्स मिलते हैं। बाकी दोस्तों इनके प्राइस के बारे में बात करें तो दोस्तों शायद इन दोनों ही स्मार्टफोन के प्राइस के अंदर आपको इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही स्मार्टफोन आपको इंडियन मार्केट में लगभग 50,000 रुपए के आसपास देखने को मिलेंगे। बाकी दोस्तों आपको इन कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज्यादा पसंद आया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।